प्रदेश के फिरोजाबाद में 30 मई को ज्ञान सरोवर इंटर कॉलेज रसूलपुर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी साध्वी कंप्यूटर सेंटर द्वारा 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 2 जून 2024 से 22 जून 2024 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 2 जून को समाज सेवियों द्वारा फीता काट कर किया जाएगा। शिविर के दौरान छात्र छात्राओं को विभिन्न कोर्स जैसे डांस, कंप्यूटर, मेहंदी, इंग्लिश स्पीकिंग, सिलाई, कराठे, चेस, स्केटिंग, क्रिकेट, हैंडीक्राफ्ट, ढोलक, शॉर्ट हैंड, कुकिंग एवं ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस बार शिविर अलग अलग क्षेत्र के 3 विद्यालयों में जैसे शिव मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल रामनगर, RS मड़ावार विद्या मंदिर पैमेश्वर गेट, ज्ञान सरोवर इंटर कॉलेज रसूलपुर फिरोजाबाद में आयोजित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन उन्हें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। शिविर के माध्यम से हम ऐसी प्रतिभाओं को उभारना चाहते हैं जो भविष्य में फिरोजाबाद जनपद का नाम पूरे देश में रोशन करने के लिए बनी है। ये जो प्रेस वार्ता आज ज्ञान सरोवर इंटर कॉलेज के परिसर में रखी गई है, ये हर वर्ष की तरह से परंपरागत तरीके से कई सालों से इनका क्रम चल रहा है। जब ग्रीष्म काल आता है, ज़्यादा गर्मियाँ आती हैं, तो सरकारी विद्यालय संस्थाएं बंद हो जाते हैं, बच्चों का अवकाश हो जाता है। इस दौरान कुछ प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कैंप लगाए जाते हैं, विशेष प्रशिक्षण के लिए, जिनके अंदर बच्चों में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं छिपी रहती हैं, डांस की, नृत्य कला की, सिलाई कढ़ाई की, गायन की, ढोल वादन की, और भी अनेक क्षेत्रों में विधाएं बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनको अनुकूल माहौल और साधन संपन्नता न मिलने के कारण वो उनकी प्रतिभाएं जो है छिपी रहती हैं। उनको उभारने के लिए ये साध्वी कंप्यूटर्स चारबाग रामनगर के माध्यम से कई वर्षों से ये क्रम चल रहा है। ये 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर लगा करके ऐसे बच्चों को प्रतिभा निखार के रूप में प्रतियोगी परीक्षाएं कराते हैं, पहले प्रशिक्षण देते हैं, परीक्षाएं कराते हैं, उसके बाद उन बच्चों को आगे एक रास्ता नया मिलता है अपने जीवन के लिए, लाइफ के लिए। तो इस क्रम में ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। देखिए, लगातार विगत 3 वर्षों से साध्वी कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से निःशुल्क शिविर, ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम उन प्रतिभाओं को निखारने का कार्य किया जाता है जिनके अंदर प्रतिभा तो छिपी हुई है, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से, कोई अच्छी राय और एक मार्गदर्शक न मिलने की वजह से वो अपनी प्रतिभाओं को नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जब वो शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अनुभवी शिक्षकों के साथ जुड़ते हैं और जो प्रशिक्षण में भाग लेते हैं, तो उनको अपने अंदर की जो प्रतिभा है वो दिखाने का अवसर मिलता है। और लगातार जो हम शिविर आयोजन करते हैं, इसके माध्यम से विगत वर्ष हमने एक टीम गठित की थी और उस नृत्य टीम को हमने पहले राज्य स्तर पर जो है प्रतियोगिता में भेजा, उसके बाद मंडल स्तर पर भेजा और उसके बाद राज्य स्तर पर भेजा। राज्य स्तर पर लखनऊ में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और पूरी टीम ने जो है प्रदेश का नाम रोशन किया था। और ऐसे ही अब इस वर्ष हमारा टारगेट है कि इस वर्ष भी अब शिविर के माध्यम से एक ऐसी टीम को गठित करें जो पूरे देश भर में हमारे फिरोजाबाद जनपद का नाम रोशन करे। वो किसी भी, चाहे किसी भी क्रीडा से हो, कराटे से हो, क्रिकेट से हो, नृत्य से हो, मेहंदी से हो, क्योंकि प्रतिभा कहीं भी किसी का मोहताज नहीं रखती है। प्रतिभा को दिखाने के लिए बस हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ठीक ऐसे ही हमारे तमाम सहयोगी जैसे बड़े भाई पिंकेश वर्मा जी, राजू वर्मा जी और आदरणीय नाना जी डॉक्टर DR वर्मा जी और प्रिंसिपल निर्मला गुप्ता जी, अनुराग सर जी और प्रिंसिपल मोहन सिंह सर जी और हमारे प्रधानाचार्य जी पूरन चंद वर्मा जी और विकास राजपूत जी, डायरेक्टर जी शुभम गुप्ता जी और तमाम हमारे सहयोगी हैं, तमाम शिक्षक हैं जिनकी मदद और सहयोग से हम इस शिविर को आयोजित कर रहे हैं। और विशेष बात यह है कि विगत वर्ष जब हमने शिविर का आयोजन किया था, तब कुछ बच्चों की हमारे पास ये डिमांड थी कि हम आने में असमर्थ हैं, हमारे लिए दूरियां हैं, तो इस वर्ष हमने उन्हीं के क्षेत्रों में शिविर का आयोजन करके उनको एक मौका दिया है कि वे आएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें,
मैं पूरी आशा और उम्मीद के साथ ये कहता हूँ कि जितना प्रयास होगा मुझसे मैं प्रयास करूँगा और उन प्रतिभाओं को जनपद से उठाकर राज्य स्तर तक पहुँचाने का काम करूँगा। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।